हेलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आज है करवा चौथ। और दोस्तों करवा चौथ के दिन हर महिला व्रत रखती है अपने पति के लिए। और इसी के लिए दोस्तों मैं आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ आज के लिए, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि करवा चौथ व्रत की कुछ ऐसी सही और सरल विधि जिससे आपको पूरा पूरा फल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे और इसे पूरा पूरा भरपूर फायदा उठाएंगे। दोस्तों करवा चौथ एक बहुत ही स्पेशल दिन होता है हर एक महिला का जिनकी शादी हो चुकी है, और ये काफी इंपॉर्टेंट दिन है उनके उनके लाइफ के अंदर। क्योंकि दोस्तों इस दिन जितनी भी शादीशुदा महिलाएं होती हैं वो पूरा दिन भूखे और प्यासे रहकर अपने पति के लिए व्रत रखती हैं। और इस व्रत की जो 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 प्रचलित कथा है उसके मुताबिक ये है कि दोस्तों करवा चौथ का उपवास रखने से जो पति का जीवन होता है उसमें संकट दूर होते हैं, उसकी आयु यानी उसकी एज लंबी होती है, और उनका जो जीवन होता है वो सुखमय और बहुत ही हैप्पी जिंदगी जीती है। दोस्तों इसी मान्यता के चलते चलते ये त्यौहार बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है और बहुत प्रचलित है। और करवा चौथ का जो व्रत होता है वो दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध यानी और बहुत ही कठिन भी हो चुका है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, कोई महिला पूरा दिन पानी भी ना पिए भूखी रहे तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसी दिन दोस्तों आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका व्रत बिल्कुल ठीक ठाक रहे तो दोस्तों इसके लिए आपको सही विधि पता होना चाहिए, है कि नहीं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों जो आज करवा चौथ का व्रत है और इसकी जो पूजने की जो विधि है वो आपको पूरी पूरी सही पता होनी चाहिए। इस व्रत में दोस्तों आपको 100 गुना फल मिलेगा अगर आप जो मैंने बताया वैसे वैसे काम करते हैं। पहली बात दोस्तों, सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिए और व्रत रखने का संकल्प करें। जी हाँ, यानी सूर्य निकलने से पहले ही आप नहा लीजिए और व्रत को रखने का संकल्प करें। दूसरी बात, फिर मिठाई फल या सेवई या पूरी की जो सामग्री होती है उससे आप व्रत को धारण करें। जी हाँ, फिर से बोलता हूँ, मिठाई फल सेवई या पूड़ी, फिर संपूर्ण शिव परिवार और श्री कृष्ण की स्थापना करें। इसके बाद दोस्तों गणेश जी को पीले फूलों की माला, लड्डू और केले चढ़ाएं। इससे भी आपका जो व्रत की जो शुरुआत होगी वो परफेक्ट शुरुआत होगी। भगवान शिव और पार्वती को बेलपत्र और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, इससे भगवान शिव और पार्वती खुश होंगी। श्री कृष्ण को माखन मिश्री और पेड़े का भोग लगाएं और उसके बाद उनके सामने मोगरा या चंदन की अगरबत्ती और घी का दीपक जलाएं, इससे भी श्री कृष्ण खुश होते हैं। इसके बाद दोस्तों मिट्टी के करवे पर रोली से स्वास्तिक लगाएं, करवे में दूध जल और गुलाब जल मिलाकर रखें और रात को छन्नी के प्रयोग से चंद्र दर्शन करें, यानी चांद को देखें और चंद्र के दर्शन करें। इसके बाद दोस्तों इस दिन महिलाएं, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात बोलने वाला हूँ यही है कि इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार जरूर करें, इससे सौंदर्य बढ़ता है। जी हाँ, इस दिन दोस्तों करवा चौथ की कथा कहानी या फिर सुननी चाहिए, और मैं ये कहूंगा कि पूरी पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए करवा चौथ के दिन के बारे में। कथा सुनने के बाद दोस्तों आप अपने घर के सभी जो बड़े हैं उनके चरण को स्पर्श करिए और उनसे उनका आशीर्वाद मांगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आज का व्रत होता है पति की दीर्घ आयु की कामना के लिए, यानी उनकी लंबी उम्र के लिए। तो दोस्तों ऐसे में आपको मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे क्या मंत्र है। मंत्र दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मंत्र है, नमस्तस्य शिवाय सर्वाने सौभाग्य संतति शुभा प्रयच्छ भक्ति युक्तांगन नारियां हरवल्लभे। दोस्तों करवा चौथ के दिन आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। करवे पर दोस्तों अगर आप 13 बिंदी रखें और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कहते हैं या सुनते हैं तो इससे बहुत लाभ होता है। कथा सुनने के बाद करवे पर हाथ घुमाकर अपनी सासू जी के पैर छूकर आशीर्वाद लें और करवा उन्हें दे दें। 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा टोटीदार करवा अलग रख दें, इससे दोस्तों बहुत फायदा होता है। एक विशेष बात दोस्त, चंद्रमा निकलने के बाद छन्नी की ओट से उसे देखें और चंद्रमा को अघ्र्य दें। इसके बाद पति से आशीर्वाद लें, उन्हें भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन कर लें उनके साथ। पूजन के पश्चात यानी पूजा करने के बाद आस पड़ोस की जो महिलाएं होती हैं महिलाओं को करवा चौथ की बधाई देकर पर्व को संपन्न करें। जी हाँ, अपने आसपास की जो महिलाएं हैं उनके साथ इसकी खुशी मनाएं और अपने पति के साथ इसकी खुशी मनाएं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ अगर आप पूरे करवा चौथ को ऐसा करते हैं तो आपको इस करवा चौथ का पूरा पूरा फल मिलेगा और आपकी जो विवाहित जीवन है और जो आपके पति की लंबी उम्र है वो पूरी कामना पूरी होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगेगी। और दोस्तों हाँ, एक बार फिर आपको करवा चौथ की ढेरों मुबारकबाद। मैं उम्मीद करता हूँ आपका लाइफ ऐसे ही मस्ती से
और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी इसे प्लीज हमें बताएं कमेंट के माध्यम से। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू दोस्तों।